भार्गवी भार्गवी अभी तक सोई क्यों हुई है? उठ जा, स्कूल नहीं जाएगी, चल जल्दी उठ। आइए आइए भाई साहब। और क्या हालचाल? बैठिए बैठिए। क्या भोजन गया? अभी तक घर पे ही हो, खेत पर नहीं गए क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या हुआ है भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाजार जाकर कुछ सामान लाना था, वही बैठ के सोच रहा था। उल्टी कर रही है तो कोई डरने की बात नहीं है, खाना न पचने के कारण भी उल्टी होती है। एक काम करो, उस बच्ची को लेकर आओ, मैं नाड़ी देखकर बता दूंगा। सुनो ओबी, लाओ भार्गवी को यहाँ लेकर आओ। सुनिए भार्गवी। हाँ आजा बेटी, हाथ दिखाओ। भोजंगे मेरे साथ बाहर आओ। जी। क्या कह रहे हैं ये? बस एक मिनट में आता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? क्या हो गया ये पूछा है? तेरी बेटी अभी पेट से है। क्या हाँ। कह रहे हैं आप, पगला गए हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ। देखो अगर इस बारे में तुम्हारे रिश्तेदारों और गांव वालों को पता चल गया तो तेरी इज्जत का क्या होगा? नाड़ी शास्त्र में मुझे 25 साल का अनुभव है, केवल मैं नाड़ी पकड़ कर बता देता हूँ कि किसको क्या रोग है, ये बात तुझे भी पता है। मुझे जो पता चला वो मैंने तुझे बता दिया। अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तेरी बेटी है, तू ही कर सकता है। सुना तुमने भाई साहब क्या कह रहे थे? क्या बेटी पैदा की है तुमने? किसने तो नाक काट दी। इकलौती लड़की है सोच के लाड़ प्यार से बड़ा किया, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, बर्बाद कर दिया सब। भुजंग की बेटी हाई स्कूल जाकर पेट से हो गई, यही बोलेंगे गांव वाले। अब मैं सर उठा के कैसे चल पाऊंगा, कैसे जिएंगे हम लोग? अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हे शिव जी, नहीं ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरी कोई बेटी थी ये मैं भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाओ। किसी शमशान में जाकर इसका गला दबा दो और इसे दफना दो। मेरी इज्जत दफना दी इसने। अगर कल ये मेरी आंखों के सामने आई ना तो तुम मेरी लाश देखेगी। हाँ क्यों किया, क्यों किया तूने ऐसा? अरे तू मेरी बेटी है कहते हुए शर्म आ रही है। जब तू पैदा हुई थी तभी मर क्यों नहीं गई? मर जाती तो अच्छा होता। हे भगवान कौन सी सजा दे रहा है तू हमें? मुझे तुझ पर भरोसा है, सूर्या भी तुझ पर जरूर भरोसा करेगा। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तो टेंशन मत ले। अरे हाँ मैं बताना भूल गई, कल सूर्या अपनी माँ के साथ नागपुर जा रहा है।
उसके काका की बेटी की शादी है, उसके जाने से पहले एक बार उससे मिल लेना। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूर्या, देख भार्गवी आ रही है। ये पकड़, मैं अभी आया। जल्दी आ जाना। क्या बात है भार्गवी, क्या हुआ? सूर्या, तुम मुझे एक वचन दोगे क्या? एक क्या, 100 बोलो भार्गवी, मैं सब निभाऊंगा। तो फिर दो। सूर्या, अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम मेरी यादों में मत रहना, तुम मुझे भूल जाना, ठीक है? ए भार्गवी, क्या होगा तुम्हें? तुम्हें देखकर तो वो यमराज भी भाग जाएगा। प्लीज सूर्या, जो वचन दिया है उसे निभाओगे ना? आज अप्रैल 1 है ना। हे भार्गवी, तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? भार्गवी, मैं चलता हूँ। जैसे मैं आ जाऊंगा तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सूर्या, जब तुम आओगे तब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। सूर्या, मास्टर जी तुझे बुला रहे हैं। हे, आज भार्गवी का बर्थडे है यार, मुझे वहां पर जाना है। उसके पैरों में ये पायल बांधकर, ये फूल उसे देकर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ भार्गवी। आई लव यू भार्गवी, आई लव यू। ऐसा कहूंगा तो उसे अच्छा लगेगा ना गोपी? हे भगवान, तेरे खेल निराले। क्यों गोपी, क्या हुआ? मेरे साथ आ। क्या हुआ मास्टर जी, आपने अचानक मुझे बुला लिया? मेरे साथ आओ सूर्या, बता दो। मैं नहीं आ सकता मास्टर जी, मैं कल मिलूंगा आपसे। 5 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाओ बेटा, आओ। मास्टर जी, आप कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, बताइए ना कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज मास्टर जी। गोपी, अब तू ही पूछ रहा इनसे, आप मुझे शमशान में लेकर आए? कोई गुजर गया क्या मास्टर जी? ओ, नाके पर रंगा दादाजी बैठते थे ना, वो गुजर गए क्या मास्टर जी? ये बोर्ड गिरा हुआ क्यों है? अब तो बता दीजिए मास्टर जी। भार्गवी उठ जाओ ना, मेरे लिए उठ जाओ भार्गवी, तुम ऐसे नहीं जा सकते।
भार्गवी प्लीज मेरे लिए उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। भार्गवी उठ जाओ भार्गवी। गोपी, ए गोपी, गोपी तू बोलता था ना कि उसको मंगलसूत्र बांधने वाला तू ही है यार, तूने उसको पायल दिलाने की बात की थी ना, तो पता मैं किसको दूं? भार्गवी, भार्गवी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक बार बोलने के लिए तुम बोलती थी ना भार्गवी। ये पापी वो बात नहीं समझ पाया भार्गवी, ये पापी वो बात नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया भार्गवी। भार्गवी उठ जाओ भार्गवी। मास्टर जी बस एक बार भार्गवी को उठा दीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बस एक बार उसे उठा दीजिए। आप बोलिए तो ये उठ जाएगी मास्टर जी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं जी सकता मैं। मास्टर जी वो पूरे स्कूल के लिए भार्गवी थी मास्टर जी, लेकिन इस सूर्या की वो धरती थी मास्टर जी, धरती थी। उठ जा, उठ मास्टर जी, इस विधि के विधान के आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा, उठ जा, उठ जा। भार्गवी मास्टर जी ये विधि का खेल, मास्टर जी प्यार को खोने का दर्द वो प्यार करने वालों को समझ में आता है, जो दर्द मैं अब समझ रहा हूँ। प्यार करने वालों के दिल को छीनने वाले इस विधि के खेल में हम जैसे प्रेमियों का धिक्कार है, धिक्कार है भार्गवी।